एटा जनपद के मलावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आसपुर चौराहे पर शुरू हो गया टोल प्लाजा बाईपास पर भी दौड़ेंगे वाहन के टोल प्लाजा के इंचार्ज अतुल राठौड़ ने बताया कि रविवार से आधिकारिक रूप से जनपद में बने 45 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे 34 का शुभारंभ कर रही है। इसके कारण हाईवे पर शुभारंभ के पहले दिन से ही वाहनों पर टोल लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। NHAI ने टोल वसूली का टेंडर कार्यदायी संस्था AK कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा है। उन्होंने बताया कि हाईवे पर एम्बुलेंस क्रेन एवं रूट पेट्रोलिंग की सुविधा PNC कंपनी देगी। बाईपास पर भी वाहनों का फर्राटा भरना शुरू कर दिया जाएगा। अब शहर को भीड़ से काफी मुक्ति मिल जाएगी। भाइयों ने बताया टोल प्लाजा पर MST बनाने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 20 किलोमीटर सर्कल में निवास कर रहे लोगों की MST सुविधा शुरू हो गई है। वहीं रविवार से लेकर बीते 24 घंटे में लगभग 50 से अधिक MST बनाई जा चुकी है। सर, जनपद में रविवार से टोल प्लाजा चालू हो गया है, तो क्या सुविधाएं दी जा रही है लोकल के व्यक्तियों को और क्या रूल रखा गया है टोल प्लाजा? एज पर NHAI रूल जो भी हमें नोटिफिकेशन मिला है, जो पेपर में भी पब्लिश हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है मंथली पास भी बना रही है। जो लोकल के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, आसपास के गांव देहात के लोग हैं, टोल के आसपास रहते हैं, तो उनके लिए लोकल पास की व्यवस्था है। उसके लिए हम लोगों ने रखा हुआ है, जैसे NHAI ने बोला है कि आपको जो है 285 रुपये उनसे कार का दिया जाए, 285 रुपये में आप 50 जो है सिंगल ट्रिप वहाँ से कर सकते हैं, पूरे महीने आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो फास्टैग की क्या व्यवस्था की? फास्टैग के लिए बैंक की तरफ से हम लोगों ने बैंक को वहाँ पर नोटिफाई किया। बैंक की तरफ से दो यहाँ पे NOP लगी हुई है, वहाँ पे बंदा काम कर रहा है, वो फास्टैग लगा रहा है, आपका सुबह से शाम तक फास्टैग लगा रहा है। सर, बाकी गाड़ियों का क्या रखा गया है, उनका जो मूल्य है निकलने का क्या निर्धारित किया गया है? निर्धारित जो मूल्य है, जैसे कैश का जांच, जैसे आपको पता है कैश जो है NHAI पिछले एक साल से डबल ले रहा है। जिनके पास में फास्टैग नहीं है और वो कैश लेन में जाते हैं, वो फास्टैग लेन में चले जाते हैं, तो उन पर डबल लिया जा रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ कार का 75 रुपये है, अगर वो कैश देता है तो उसे 150 रुपये लिया जा रहा है, जैसे NHAI का रूल, वो सारा सिस्टम से। सर, जनपद के लोगों के लिए एक आपकी तरफ से सुविधा भी चलाई जा रही है, MST बनवाई जा रही है। हाँ, तो अब तक लगभग कितने वाहनों की MST यहाँ बन चुकी है? कल से लेकर अब तक लगभग 50 से ऊपर वाहनों की MST यहाँ से बनाई जा रही है।